ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मिलन है। सभी भाइयों से मिलकर जो एक दिली ख्वाहिश थी कि एक प्यार के कुछ क्षण उनके साथ बिताऊं, और आज ये सुअवसर हम लोगों को मिला है, ये सभी भाइयों के लिए, चाहे वो सीनियर्स हों जूनियर्स हों, एक बहुत ही खुशी और गौरवान्वित क्षण है। मैं यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम है गुंजन झा, मैं 93-96 हिंदू कॉलेज बैच से। हमारी मुलाकात तो लगभग 25 साल के बाद हुई यहाँ पर, और ये हृदय स्पर्शी क्षण है, इसको शब्दों में नहीं डाला जा सकता। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है कि DU के जो छात्र हैं, हम लोग बिहार से खास करके, वो पटना वापस आए हैं, और हम लोग एक संकल्पना के साथ आए हैं कि अपनी बिहार की माटी को फिर से हमें सींचना है। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है यहाँ। हम चाहते हैं कि हम अपनी दिल्ली से प्राप्त किए हुए ज्ञान से बिहार को कुछ दे सकें, बिहार को थोड़ा आगे ले जा सकें, इसी संकल्पना के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा जो नीलोत्पल जी का कार्यक्रम हुआ अभी, और साबरी बदर सभी गा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार फनकार आए हैं, एक से एक बड़े लोग, MLA MP सभी आए हुए हैं यहाँ, जॉइंट कमिश्नर IPS IAS, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे जैसे शिक्षक भी, मेरा नाम आलोक कुमार रंजन हुआ, मैं निदेशक हूँ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली का, और मैं लॉ पढ़ाता हूँ बेसिकली। देखिए, अभी तक डिफरेंट यूनिट हमेशा डिफरेंट तरीके से एलुमनी मीट करता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन करता है। इस पूरे चीज़ की परिकल्पना जो है, उसको यदि मैं समराइज करूं 4 पंक्तियों में, तो आप उसको एंजॉय करेंगे कि ये हम अपने आप को कह रहे हैं, ये सारे लोगों का मंतव्य है। आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, प्यार गर्ज एक चीज़ है ज़िंदगी के लिए, ये बड़ी बात है आदमी के लिए, मगर आदमी को ये भी मिलता नहीं। मुझे इतनी मोहब्बत मिली है आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने के नज़रों में कुछ भी न था, आज तक मेरी नज़रों में वो तस्वीर है, और 93-97 वाला बैच सोचिए। मुझे इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं। अगर चलती का नाम ज़िंदगी है, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे मौके के लिए वक्त निकालूंगा मैं।